माइंड एक ऐसा सोर्स है जहाँ हमारी लाइफ की इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जैसे सेंसेशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन, इमोशन, इंटेंशन, डिजायर्स, बिलीफ, एक्सपीरियंस वगैरह प्रोसेस होते हैं और काम करते हैं। ये सभी प्रोसेस और आइडियाज़ हमारी डेली लाइफ में हर जगह हमारे काम आती है और हमारी मदद करती है सारे कामों को पूरा करने में। ये सारी एक्टिविटीज़ रैंडमली काम नहीं करती, ये सभी प्रोसेस और एक्टिविटीज़ एक खास पैटर्न को फॉलो करती है और हम अपने कामों को पूरा कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम माइंड के तीन टाइप्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। माइंड के तीन टाइप्स, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज हम इन तीनों की बात नहीं करने वाले। साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग माइंड के तीन टाइप्स बताए हैं। हम इन्हीं तीन टाइप्स की बात आज की इस वीडियो में करेंगे, जिसे देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपका माइंड किस तरह का माइंड है। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहला टाइप है रिजिड माइंड। रिजिड यानी टफ, ड्रेस्टिक या इनफ्लेक्सिबल। इस तरह के माइंड वाले लोग दूसरे लोगों के साथ मिलकर कोई काम नहीं कर पाते। रिजिड माइंड डिफेंस मैकेनिज्म का भी एक टाइप होता है। इस तरह के माइंड वाले लोग यूजुअली अपने काम को लेकर फोकस्ड होते हैं, काफ़ी सोच समझकर काम करते हैं और खुद पर एक अच्छा कंट्रोल रखते हैं। रिजिड माइंड वाले लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन काफ़ी होता है, कंसिस्टेंट रहते हैं और वो स्कूल कॉलेज में हो या फिर किसी वर्क प्लेस में जो काम उन्हें दिया जाता है उसे पूरी ऑनेस्टी और डिसिप्लिन में रहकर पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका माइंड भी रिजिड माइंड है तो ये कन्फर्म है कि आप में क्रिएटिविटी की कमी होगी और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कोई भी काम नहीं कर पाओगे। यही रीज़न है कि इस तरह के माइंड वाले लोग बोरिंग और ओल्ड फैशन टाइप लगते हैं और ज़्यादा लोगों के बीच सोसाइटी में कंफर्टेबल फील नहीं करते। जब भी बात आती है कुछ नया ट्राई करने की तो रिजिड माइंडेड लोग इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। इस तरह के माइंड के साथ लोग दूसरे लोगों के माइंडसेट और पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर करना पसंद करते हैं और अकेले काम करना उन्हें बहुत पसंद होता है। अगर आपको लगता है कि आप में भी ये सारी बातें मौजूद हैं तो इसका मतलब आपका माइंड भी एक रिजिड माइंड है। अब देखते हैं माइंड का सेकेंड टाइप, फ्लूइड माइंड। फ्लूइड माइंड वाले लोग रिजिड माइंड से ठीक अपोजिट होते हैं। वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। इनकी लाइफ का मोटो होता है गो विद द फ्लो, यानी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इस तरह के माइंड को फ्लूइड माइंड कहा जाता है क्योंकि जिस तरह लिक्विड को जिस बर्तन में डाला जाता है वो उसी का शेप ले लेता है, फ्लूइड माइंड भी ठीक ऐसे ही काम करता है। इसको गिरगिट से भी कंपेयर किया जाता है क्योंकि इस तरह के माइंड के लोग जहाँ जाते हैं ठीक वैसे ही बन जाते हैं। फ्लूइड माइंड वाले लोग कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले पाते, कॉन्फिडेंट की कमी होती है, किसी भी सिचुएशन में डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किसका साथ देना है, क्या सही है क्या गलत। वो बस दूसरों के ओपिनियन को ही अपना ओपिनियन बना लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता क्या सोचना है और कैसे सोचना है। इस तरह के लोगों का खुद पर कोई खास कंट्रोल नहीं होता, लाइफ के कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं होते, इनकी पर्सनैलिटी एकदम लेजी होती है। हम कह सकते हैं कि ये लोग एक बच्चे की तरह ही होते हैं। उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन चाहिए होती है, कोई इंसान ऐसा चाहिए होता है जो उनको हर स्टेप पर मोटिवेट कर सके और उनका साथ दे सके, और वो दूसरों पर डिपेंड रहना ही पसंद करते हैं। इस तरह के लोग लाइफ में फ्यूचर के लिए कोई गोल सेट नहीं करते, उनमें डिटर्मिनेशन की कमी होती है। वो इतने लेजी होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ के गोल्स और उनके लाइफ के डिसीजन दूसरे लोग सेट करें और गोल सेट करने के बाद फिर उन्हें मोटिवेट करें उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए। इन सब का रीज़न होता है उनकी इनसिक्योरिटीज। उन्हें लगता है कि वो फेल हो जाएंगे, इसलिए वो अपना काम उन लोगों को सौंप देते हैं जिन्हें वो खुद से बेहतर मानते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि फ्लूइड माइंड तो एकदम यूजलेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह के लोग दूसरों को फॉलो करना पसंद करते हैं और ये काम यानी दूसरों को फॉलो करना उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जब उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है तो वो सक्सेस होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। वो खुद लीडर ना बनकर अपना एक लीडर चुनते हैं और उसके कहने पर काम करते जाते हैं। फ्लूइड माइंड में कमियां तो हैं लेकिन इसमें खूबियां भी काफ़ी सारी हैं। इस तरह के लोग एक ग्रेट पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। वो रिलैक्स रहते हैं, केयर फ्री रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी एडवेंचरस और फन लविंग होती है। वो परफेक्शन में बिलीव नहीं रखते, वो सब कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहते, एक टाइम पर एक ही काम करते हैं, वो भी बिल्कुल रिलैक्स होकर।
अगर इन सभी बातों को सुनकर आपको लग रहा है कि ये सब आपसे मैच हो रही है, तो आपका माइंड एक फ्लूइड माइंड है। अब देखते हैं टाइप 3, फ्लेक्सिबल माइंड। इस तरह के लोगों की पर्सनैलिटी एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होती है। ये ओपन माइंडेड होते हैं, क्रिएटिव और स्मार्ट होते हैं। उनके पास हर सिचुएशन, हर बात के लिए अपना ओपिनियन होता है और उनका ओपिनियन दूसरों के बात सुनकर चेंज नहीं होता। लेकिन वो सभी लोगों की बात को उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी वो खुद की बात को देते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स ज़बरदस्त होती है, कितनी भी हार्ड सिचुएशन में हो काम रहते हैं और बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। हर चीज़ को बारीकी से एनालाइज करने के बाद ही अपना डिसीजन लेते हैं। वो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने से बचते हैं। इस तरह के लोग अप्रोचेबल होते हैं, इनसे आप आसानी से बात करना शुरू कर सकते हो और वो आपको जज भी नहीं करते। इवन अगर वो आपकी किसी बात से डिसएग्री भी कर रहे हो, वो आपको नीचा नहीं दिखाते। वो बस अपना ओपिनियन आपको बताते हैं और डिसीजन आप पर छोड़ देते हैं कि आपको क्या सही लगता है। फ्लेक्सिबल माइंडेड लोग फ्रेंडली, हम्बल और सपोर्टिव होते हैं। इस तरह के लोगों के पास सभी लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। ये हो गए 3 टाइप्स आपके माइंड के। आपको क्या लगता है आपका माइंड किस तरह का है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। ये टाइप्स परमानेंट नहीं होते, ये आपकी एज, मैच्योरिटी और सिचुएशन के साथ चेंज भी होते रहते हैं। यहाँ पर कोई भी माइंड गुड माइंड या फिर बैड माइंड वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप में इनमें से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो आप उन पर ध्यान देकर उनको चेंज कर सकते हैं। चैलेंज योर सेल्फ टू बी बेटर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। हमें उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।